नमस्कार, स्वागत है आपका जे जे वी न्यूज में। मैं चंदूषण विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। ठाणे शहर में 100% टीकाकरण पूर्ण करने के लिए आज से ठाणे महानगर पालिका के माध्यम से घर घर कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसकी जानकारी ठाणे के महापौर नरेश मस्के ने एक पत्रकार परिषद में दी, जिसमें महापौर नरेश मस्के और आयुक्त डॉक्टर विपिन शर्मा ने उन नागरिकों से अपील की जिन्हें अभी तक कोरोना टीका का एक भी खुराक नहीं लग पाया है, या जिन्हें पहला डोज लगने के निर्धारित समय के बाद दूसरी खुराक नहीं मिली है, वो अपना टीकाकरण करवाएं और ठाणे मनपा को सहयोग करने के लिए 30 नवंबर तक पहली खुराक का 100% टीकाकरण हासिल करें। ठाणे शहर में अभी तक 5,35,000 लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है, इसीलिए हर घर घर जाके, हर द्वार जाके हम लोग वैक्सीन करने वाले हैं। 167 टीम्स इसमें काम करने वाले हैं। 9 नवंबर से ये वैक्सीनेशन घर घर जाके शुरू होने वाला है। उसमें वार्ड बॉय रहेंगे, सिस्टर्स रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगी, वहाँ हर घर में जाके सर्वे किया जाएगा और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया उनको वैक्सीन दिया जाएगा। ज्ञात हो कि ठाणे महानगर पालिका ने अपने कर्मचारियों में जिन्होंने कोरोना टीका का एक भी डोज नहीं लिया, उन्हें एक निर्धारित समय के बाद उनके वेतन में कटौती करेगी, इसकी भी जानकारी महापौर ने दी। उन्होंने यह भी कहा कि ठाणे मनपा के अधिकारी और कर्मचारी को टीकाकरण का प्रमाण पत्र ठाणे महानगर पालिका में जमा करना होगा। साथ ही साथ ठाणे के कलवा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में मरीजों के साथ आने वाले रिश्तेदारों को भी वैक्सीन लगाने का प्रमाण पत्र जमा करना होगा, ताकि मरीज का इलाज किया जा सके। महानगर पालिका के अभी तक जो कर्मचारी है, अधिकारी है, कंत्राटी कर्मचारी है, उन्होंने अगर वैक्सीन नहीं लिया होगा तो उनका जो पगार है, उनका वेतन है, वो रोक दिया जाएगा। उनको एक हफ्ते की हम लोग मोहलत दे रही है कि अगर उन्होंने वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस किया अपने डिपार्टमेंट हेड को तो उनका पगार रोका जाएगा। इसका मतलब यही है कि लोगों ने वैक्सीन लेना चाहिए। तुम महापालिका के कर्मचारी हो, अधिकारी हो, लोगों में तुम ज़्यादा उठना बैठना होता है, लोगों के संपर्क में आप ज़्यादा होते हैं, इसीलिए यह निर्णय लिया है। जिनका दूसरा डोज बाकी है और 84 डेज कोविशील्ड के बारे में, कोवैक्सीन के बारे में 29 डेज हो चुके और आप दूसरा डोज नहीं ले रहे, एक हफ्ते की मुदत आपको भी उनको भी दी जाएंगी। अगर उन्होंने भी दूसरा डोज नहीं लिया तो उनका भी पेमेंट रोक दिया जाएगा। नमस्कार, मैं मंगेश देश।